हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ही काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को। तो ये पैटर्न बेसिकली दो कैंडल्स की होती है और इस पैटर्न को हम ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी बोल सकते हैं। एंड ये कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही कम दिखाई देती है एंड बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और इस पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पर पहली कैंडल ग्रीन होती है, यानी कि एक बुलिश कैंडल होती है। एंड यहाँ पर जो दूसरी कैंडल होती है वो एक रेड कलर की होती है, यानी कि दूसरी कैंडल एक बियरिश कैंडल होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड यहाँ पर दोनों कैंडलस्टिक की बॉडी बड़ी होनी चाहिए एंड दोनों की विक बहुत ही छोटी होनी चाहिए। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम स्विंग ट्रेडिंग में यूज़ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर डेली के चार्ट में इसको फाइंड करने वाले हैं। तो हमें इसे डेली के चार्ट में फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कंडीशन है कि ये जो रेड कैंडल है उसकी ओपनिंग इस ग्रीन कैंडल के ऊपर होनी चाहिए, यानी कि इस रेड कैंडल की ओपनिंग गैप अप होनी चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल का हाई है एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इस रेड कैंडल की ओपनिंग है, यानी कि यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। और इस रेड कैंडल की क्लोजिंग इस ग्रीन कैंडल के 50% भाग से नीचे होनी चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल का 50% भाग है एंड इस रेड कैंडल की क्लोजिंग इसके 50% भाग से नीचे होनी चाहिए। तो अब मैं आपको चार्ट पर ले चलता हूँ एंड वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि अंदर एंट्री किस तरीके से लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड चल रहा था एंड उसके बाद हमको यहाँ पर हमारी डार्क क्लाउड कवर पैटर्न दिखाई देती है। आप यहाँ पर इस राउंड के अंदर देख सकते हैं कि हमको यहाँ पर एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न दिखाई देती है। एंड उसके बाद आप यहाँ पर चार्ट पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक फॉल आ चुका है। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड चल रहा था और उसके बाद हमको हमारी डार्क क्लाउड कवर पैटर्न दिख जाती है। तो इस पैटर्न को फाइंड करने के बाद इस वाली रेड कैंडल के अंदर हमको एंट्री ले लेनी है एंड यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर हम बफर लगाकर हमारा स्टॉप लॉस लगा देंगे। एंड यहाँ पर हम अगर एक्सिट की बात करें तो यहाँ पर आपको जो सबसे नज़दीक वाला सपोर्ट दिखाई देता है आप वहाँ पर अपना टारगेट रख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन है एंड प्राइस ने यहाँ पर आकर थोड़ा होल्ड किया है, तो हम यहाँ पर अपनी एक्सिट कर सकते हैं। तो गाइस, यही था हमारा आज का वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।